हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं निशु, स्वागत करते हुए आपका अपने चैनल निशु ब्यूटी हैक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाएगा एंड आपके फेस के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा एंड इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉफ़ी फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में एक टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो। उसके बाद मैंने आधा टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल डाला है, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हनी डाला है एंड 1 टीस्पून रॉ मिल्क एंड 1 टीस्पून बेसन एंड इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने अपने फेस को रेडी कर लेना है इस फेस मास्क अप्लाई करने के लिए। तो आप सिंपली फेस वॉश भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने फेस को क्लींस किया है रॉ मिल्क से। आप एक क्वार्टर में रॉ मिल्क लें एंड उससे अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लें। इससे होगा कि आपके फेस में जितने भी सारे डर्ट होंगे, ऑयल होंगे, यहाँ तक कि ब्लैक हेड्स होंगे, या उसको भी अच्छे से रिमूव करेगा। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि रॉ मिल्क से अच्छा कोई क्लींजर हो ही नहीं सकता है। तो आप एक कॉटन की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लींज कर लें। अब हमने लेना है यह मैजिकल कॉफ़ी फेस मास्क एंड इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैफीन के गुण पाए जाते हैं, इसलिए कॉफ़ी हमारे स्किन में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइन लाइन्स दिखने लगते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, इन सब पे कॉफ़ी कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, अपने फेस पे आप लगाकर थोड़ा 2-3 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए। इससे इसमें जितने भी गुण होंगे वो हमारे फेस इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने फेस पे कोई फेशियल स्टेप फॉलो करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं रैंडमली अपने फेस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस मसाज कर रही हूँ। ज़्यादा देर आपको मसाज नहीं करना है, बस 2-3 मिनट ही आपको मसाज करना है एंड अपने आई एरिया को तो भूलिएगा ही मत। ये आपके आंखों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो इसलिए आप बिना किसी टेंशन के आप इसको अपने आंखों पे अप्लाई कर सकते हो। इससे अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो यह धीरे धीरे उसको भी रिमूव करेगा। फ्रेंड्स, यह पिगमेंटेशन को भी बहुत हद तक कम करता है एंड रेगुलर यूज से उसको ख़त्म ही कर देगा। तो उसके बाद मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करके 15-20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 15 मिनट मेरा जो फेस मास्क है वह ड्राई हो चुका है। तो अब सिंपली नॉर्मल पानी से मैं इसको वॉशअप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरे फेस से कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। इस फेस पैक लगाने के बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। अभी तक मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है ताकि मैं आपको अपना ओरिजिनल फेस दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे फेस से कितना ज़्यादा ग्लो आ गया हुआ है। आपको अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे यह उसको भी ख़त्म करेगा एंड डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो यह धीरे धीरे उसको भी रिमूव करेगा। आप इसे हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई करें, आप रिजल्ट अपना खुद ही देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।